हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फोसिस लिमिटेड शेयर की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, तो इस न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई केवल ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। ऑथेंटिक यानी कि जो ऑफिशियल न्यूज़ निकल के आती है, सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को कवर किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अगर आज इस न्यूज के बाद देखेंगे तो दोस्तों, आप लोगों को इंफोसिस के अंदर 1.14% का यहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले यहां पे इंफोसिस के न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे इंफोसिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया दोस्तों, 1 जून 2021 को यह न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंफोसिस वॉज इन्फॉर्म्ड, पहले मैं रीड कर देता हूं, तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं रीड करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को यहां पे समझ में नहीं आता। तो यहां पे इंफोसिस में क्या हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज निकल के आ रही थी। इसी चीज को लेके दोस्तों, यहाँ पे सेबी ने दोस्तों इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको देखने को मिला कि ये भाई सच में यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, उनके दो एम्प्लॉय थे जो कि यहाँ पे आप लोगों को इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे थे थर्ड पार्टी के नेम से। तो ये चीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में पाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड कोड इन्फोसिस से इस बारे में बातचीत भी किया गया है, और इन्फोसिस यहाँ पे इस मैटर के बारे में भी देख रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही थी, क्या हो रहा था। क्योंकि यहां पे इंफोसिस के जो सीईओ है, उनका कहना है कि भाई हमें इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था यहां पे। तो आप देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं रीड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ऑन जून 1st इंफोसिस वाज इन्फॉर्म्ड फॉर्म ऑफ एन इंटर्म एक्स पार्ट सेबी ऑर्डर वेयर टू ऑफ इट्स एम्प्लॉई अमंगस्ट अदर थर्ड पार्टीज हैव बीन नेम्ड इन एन ऑनगोइंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वेस्टिगेशन। इंफोसिस हैज वेल डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट कवरिंग ऑल इट्स एम्प्लॉई and an insider trading policy that governs dealing with unpublished price sensitive information. तो basically एक चीज और मैं बता दूं, मैंने इसको थोड़ा सा न्यूज में रीड किया, अभी देखिए यहां पे ऑफिशियल ऑफ वेबसाइट पे ये चीज हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है कि इन्होंने जो इनसाइडर ट्रेडर से जो भी इंप्लॉय, ये दो इंप्लॉय थे दोस्तों जो पैसे कमाए थे, तो ये पैसा इन्होंने सेबी ने जब्त कर लिया है, मतलब वापस ले लिया है, ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है। बट अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, ऑफिशियल न्यूज में चेक करेंगे, तो एज सच कुछ ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है। एक चीज और न्यूज पे मैंने रीड किया कि वहां पे बताया गया कि 3.2 करोड़ का यहां पे इनके ऊपर फाइन लगाया है सेबी ने, वो भी हम लोगों को यहां पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिला है कि सेबी ने सच में 3.2 करोड़ का फाइन लगाते हुए नजर आया। सिर्फ यहां पे यही बताया कि दोस्तों दो एम्प्लॉई हैं जो कि पकड़े गए इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से, तो उसी चीज को लेके सेबी ने, तो उसी की वजह से अगर आप अभी के टाइम पे ये देखेंगे तो आप लोगों को इंफोसिस का शेयर यहां पे 1.14% का गिरावट करता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ दोस्तों, यहां पे इंफोसिस में मैं आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे इंफोसिस ओपन कर लेता हूं, ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को यहां पे दिखाता हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, इन्फोसिस आप लोगों को 52 वीक हाई से 7.4% का डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी देखेंगे, 13.67 से घट के 13.24% आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये एज सच बहुत ज़्यादा डिक्रीज आप लोगों को देखने को नहीं मिला है। वहीं पर अगर मनी कंट्रोल के टेक्निकल रेटिंग के बारे में बात कर ली जाए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर मनी कंट्रोल का कहना है कि आप लोगों को इन्फोसिस को बाई करके चलना चाहिए। मूविंग एवरेजेस में आप लोगों को बुलिस देखने को मिल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में चेक करेंगे तो आप लोगों को बुलिस देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर में चेक करेंगे तो आप लोगों को इंफोसिस का शेयर न्यूट्रल शो करता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहां पे देखिए, ये तो मनी कंट्रोल का टेक्निकल रेटिंग था। आपका क्या मानना है दोस्तों, इंफोसिस में बाई करके चलना चाहिए या वेट करना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।